नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस में जमानत दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान जेल में रहेंगे या जेल से बाहर आएंगे। सवाल के जवाब के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी के 7 चरणों में मतदान संपन्न होने के बाद यानी मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आएंगे या नहीं। तो चलिए हम आपको ये सवालों के जवाब दे दें। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सपा नेता आजम खान को एक जमीन हड़पने के केस में जमानत दी गई है, लेकिन वो अभी जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि अभी भी आजम खान के खिलाफ 2 मामलों में हाईकोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है। आपको बता दें आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान इस बार रामपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो फरवरी 2020 से जेल में बंद है। सपा नेता आजम खान पर भैंस और बकरी की चोरी से लेकर जमीन हथियाने और बिजली चोरी जैसे लगभग 100 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद होने के कारण आजम खान ने इस बार चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। आजम खान की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझकर धीमी कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो अधिक से अधिक समय तक जेल में रहे। बता दें कि आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा भी लंबे अरसे तक जेल में रहे हैं। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। अब्दुल्ला सवार सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल कोर्ट की तरफ से अभी आजम खान को बस एक केस में जमानत दे दी गई है, वहीं कोर्ट ने अभी 2 फैसले अपने पास सुरक्षित रखे हैं। ऐसे में आजम खान कब तक जेल में रहते हैं ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।